नमस्ते दोस्तों, आज यहाँ पर हम रिव्यू लेंगे। मेरे पास मदर स्पॉज का ये हेयर कंडीशनर है और दूसरा वाला वही मदर स्पॉज का ही हेयर क्लिंजर है। इन दोनों में जो शैम्पू का प्राइस है वो 475 रुपीज़ का है और जो कंडीशनर का प्राइस है वो 499 रुपीज़ का है। और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आता है और जो कंटेनर है वो इस तरह का है। ये क्लिंजर का है कंटेनर और दूसरा उसके साथ के कंडीशनर का कंटेनर कुछ इस तरह का है। ये कंडीशनर वाला है और दूसरा ये वाला क्लिंजर है। तो इस तरह से दोनों आते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो शैम्पू है उसका जो स्मेल है वो सिकाकाई की तरह है, जो कि परफ्यूम दिया गया है। ये नहीं कि जितने सारे हर्बल्स यहाँ पर मिलाए गए हैं उसी तरह का स्मेल है, ये भी परफ्यूम दिया गया है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स में है और इसमें भी परफ्यूम दिया गया है। दोनों में जो इंग्रेडिएंट्स जितने भी सारे लिखे गए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स डिटेलली कितने परसेंटेज के मिलाए गए हैं ये पूरी तरह से डिटेलली यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर पकड़ लीजिए, अगर शैम्पू की अगर बात किया जाए तो भृंगराज 2%, ब्राह्मी 2% और मेथी 3%, इस तरह से लिखा गया है हर किसी का परसेंटेज। और कंडीशनर में भी वही चीज़ है, सारे चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स में परसेंटेज के हिसाब से लिखा गया है। जैसे जपा पुष्पा जो है वो 1.5%, ब्राह्मी 1%, तो इस तरह का लिखा गया है। ये बहुत अच्छा है कि लिखा गया है, मगर इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रिजर्वेटिव है दोनों में BHT का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है। परफ्यूम स्मेल के लिए है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। और जो BHT की अगर बात किया जाए तो प्रिजर्वेटिव में वो एक केमिकल है और ये दोनों ही आपको लिखा गया है पूरी तरह से हर्बल है, किसी तरह का कोई SLS, पैराबिन कुछ भी नहीं है इसमें, पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि BHT क्यों है और ये वाला केमिकल है। तो जितने सारे केमिकल्स हैं ये BHT एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मगर BHT में सबसे माइनर होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है कोई हार्मफुल केमिकल। और इसीलिए ये ज़्यादा आपके बालों के लिए हार्मफुल है ही नहीं। तो केमिकल तो है मगर हार्मफुल नहीं है, तो BHT इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रिजर्वेटिव अगर ना दिया जाए तो फिर आपका जो एक्सपायरी डेट जो 2 साल का 3 साल का चलता है वो चल नहीं सकता है, स्मेल आएगा और फर्मेंट हो जाएगा। तो इसीलिए दिया गया है प्रिजर्वेटिव, और जो प्रिजर्वेटिव दिया है वो बहुत अच्छा दिया गया है। अब बालों को मैं ऑयलिंग करके अच्छी तरह से साफ़ करके ड्राई होने के बाद फिर उसके बाद इसका हम रिव्यू लेंगे। इसको मैं 2 से 3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जैसे मैंने एक्सरसाइज करने के बाद बाल आपके स्वेट होकर स्टिकी हेयर पर मैंने एक बार किया था, एक बार बाल साफ थे, जैसे 2-3 दिन के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे बाल फ्लैट होने चले हैं तो बाल को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ तो बाउंस आ जाएगा, तो उस तरह का भी किया है। अब इस बार ऑयलिंग करके फिर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी शैम्पू हो 2 से 3 बार आप साफ़ करने के बाद सही से उसका फिर आपको पता चल सकता है कि किस तरह का क्या है। क्योंकि आजकल ये वाला जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा ऐड में है, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। तो देखते हैं कि एक्चुअल इसमें जो लिखा गया है चीज़ वो ये करता है या फिर नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बालों को बहुत अच्छे से ऑयल कर दिया है। अब सारे बालों को मैं गीला करूँगी और फिर देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी की हमें चाहिए होता है शैम्पू पूरे बालों में लैदर करके अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्लिंजर और कंडीशनर मैंने दोनों ले लिया है और बालों को भी अभी मैंने अच्छे से गीला कर दिया है। अभी एक हैंडफुल मैं यहाँ पर ले रही हूँ शैम्पू, जिसका कलर आप देख सकते हैं डार्क कॉफ़ी कलर का है और खुशबू शिकाकाई जैसा है। पहली बार ले लिया और फिर दूसरी बार लेकर फिर पीछे की तरफ साफ़ कर रही हूँ,
फिर तीसरी बार ले रही हूँ, मगर जितना डिज़ायरेबल लेदर होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो पानी डाल के फिर से एक बार लेकर अच्छे से साफ़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि हाथों को अभी भी थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है। और यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं अभी लेदर होना शुरू हो चुका है, मगर यहाँ पर आप देखिए कितना सारा बाल, एक एक स्ट्रांड अगर दिखाऊँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर दूसरे हाथ में एक गुच्छा होकर जो बाल है फोम के साथ, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मिनिमम 8 से 10 बाल है, मतलब एक गुच्छा होकर पानी, मतलब जैसे ही साफ़ किया तो ये निकल रहा है। तो इसमें जो फास्ट ग्रोथ लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं सिर्फ शैम्पू में नहीं, यहाँ पर देखिए सिर्फ धोने पर भी कैसे गुच्छे होकर निकल रहे हैं। और अभी कंडीशनर देखिए, स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, और इसको मैंने एक बार लगाया तो बालों पर अभी भी ड्राईनेस और रूखा रूखा सा लग रहा है, तो मैंने दूसरी बार लगा कर भी धो लिया है। अब मैंने बालों को अच्छे से साफ करके उसको ड्राई भी कर लिया है, तो अब इसका रिव्यू लेते हैं किस तरह का क्या है ये चीज़। तो पहला चीज़ है कि इस पे जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बालों को स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ के लिए, जैसे ब्राह्मी हो गया, मेथी हो गया, आंवला हो गया, रीठा, शिकाकाई, बहुत सारे सारे चीज़ अच्छे ही इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। मगर शैम्पू अगर बात किया जाए तो शैम्पू वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब साफ़ किया, मैंने आपको दिखाया मेरे बाल तो मीडियम लेंथ के हैं, तो जिनके लॉन्ग हेयर है या फिर मीडियम लेंथ के भी हो, तो उसके हिसाब से जितना क्वांटिटी मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया अच्छे से लैदर करने के लिए और साफ़ होने के लिए, बहुत ही ज़्यादा है, जो कि मतलब मुझे हैंडफुल ऑफ अमाउंट 3 से 4 बार लेना पड़ा अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो इसलिए ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जितना लैदर होना चाहिए, साफ़ जितने क्वांटिटी में होना चाहिए उसमें नहीं कर रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ रहा है। और दूसरा चीज़ इसमें है कि आपके बालों को हेयर ग्रोथ ये स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है, हेयर लॉस को रोकता है, हेयर फॉल को रोकता है, डैंड्रफ रोकता है, और साथ ही साथ जो कंडीशनर है वो आपके बालों को शाइन देता है और बहुत ग्लॉसी सा लुक देता है, आपके हेयर में मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। तो पहले शैम्पू की बात करते हैं, फिर उसके बाद कंडीशनर की। शैम्पू में सबसे अच्छी बात है कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, मगर वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चीज़, इसका जो स्मेल है वो शिकाकाई का है, और क्वांटिटी इसकी जो है वो 200 ml की है, जो कि शैम्पू और कंडीशनर बोथ का है। 200 ml के हिसाब से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है साफ़ करने के लिए। तो और दूसरा चीज़, इसमें जो हेयर फॉल कंट्रोल करने वाली जो बात है, हेयर फॉल 2 से 3 बार अभी हो चुका है, फिर भी हेयर फॉल मैंने शैम्पू करते हुए आपको दिखा है कि कितने सारे निकल रहे हैं, तो ये हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करता है। दूसरा, अगर आपको मॉडरेट भी अगर आपका डैंड्रफ है हेयर में, तो भी ये उसको क्लीन नहीं करता है। स्काल्प दिया गया है अच्छे से क्लीन करता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, डैंड्रफ कंट्रोल नहीं करता है। स्काल्प हाँ अच्छे से क्लीन करता है, मगर आपके स्काल्प के पास जो हेयर है वो आपको पूरा पास में आपको वो ड्राई लगेंगे, वहाँ पर आपके ड्राई है, और नीचे की तरफ इतना मतलब आपको नॉर्मल लगेगा, स्मूथ है और मैनेजेबल है, मगर यहाँ पर आपको ड्राई लगेगा। और तो जिनके मतलब स्कैल्प में ड्राईनेस की परेशानी है, और ड्राईनेस की वजह से उनको हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है उनके जो बाल के ऊपर के स्कैल्प के पास वाले जो बाल होते हैं, और जिसकी वजह से आप ऑयलिंग वगैरह जितना भी करो मतलब बाल झड़ते जाते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हेयर ऑयली है, उसके ऊपर भी ये अगर स्कैल्प को ऑयली मतलब ड्राई कर रहा है और तोड़ रहा है, हेयर लॉस भी हो रहा है, तो फिर ड्राई वाले तो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना ही करें तो ही अच्छा है। ऑयली हेयर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जितना इफ़ेक्टिवनेस इसमें लिखा गया है उस हिसाब से थोड़ा मुझे कम लगा। सो सो टाइप है, आप इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से कि हाँ नेचुरल है, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर इतना कुछ खास नहीं है इसमें,
जैसे कि एड में दिखाया जा रहा है कि बाल को ऐसे कर रहे वैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। बालों में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ड्राइनेस की वजह से ये ऊपर आ रहे हैं, जबकि मैंने कंडीशनर भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में लगाया था और ये जगह पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम कंडीशनर की बात करें, कंडीशनर में लिखा गया है कि आपके बालों को शाइनी और ग्लसी करेगा। वैसे भी मेरे हेयर थोड़े से शाइनी है, ये मैंने बहुत बार मतलब जो किया है, मैंने जितने भी वीडियो उसमें मैंने दिखाया है, मेरे बाल वैसे भी थोड़े से शाइनी और सिल्की है। तो शाइन के ऊपर मैं इतना कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मतलब शाइन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी थोड़े से शाइनी है। मगर हाँ, बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि बालों को एक थिकनेस प्रोवाइड करता है, वॉल्यूमिनस लुक देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल जैसे आपके नॉर्मल फ्लैट साफ किए हुए वैसे ही है, बाउंस नहीं होगा, थिकनेस नहीं होगा, रैदर इसमें आपको बाल और भी ज़्यादा थिन लगेंगे और बाउंस थोड़ा सा कम लगेगा। एकदम फ्लैट नहीं होगा, बाउंस भी नहीं होगा, जो मीडियम टाइप उस तरह का होगा। इतने सारे क्वांटिटी में इस्तेमाल करने के बाद इस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं होता है, तो ये भी मुझे इतना वर्थ नहीं लगा इसके प्राइस के हिसाब से। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि मतलब इतने सारी चीज़ करेगा, आप देख सकते हैं बाल वैसे भी कुछ बाउंस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही साफ हुआ है हुआ है। दोनों ही प्रोडक्ट मुझे सो सो टाइप लगे, इतना कुछ आपको डिफरेंस कुछ नज़र नहीं आएगा। और जो मेन पर्पज़ है कि आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करेगा और फास्ट हेयर ग्रोथ करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना ही ये फास्ट हेयर ग्रोथ, मतलब अभी 15 दिन के अंदर मैं 3 बार साफ कर चुकी हूँ, हेयर लॉस वैसे ही हो रहे हैं। तो हेयर ग्रोथ के बारे में तो पता नहीं, हेयर लॉस ही हो रहे हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट जिनके हेयर लॉस रेगुलर बेसिस में होते हैं, ड्राई हेयर की वजह से, बाल पैचेस से, कुछ भी है, उनको मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये और भी ज़्यादा आपके हेयर फॉल को बढ़ा देगा। तो प्लीज़ जिनके ड्राई स्कैल्प है, जिनके हेयर लॉस हो रहे हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट तो देख कर ही इस्तेमाल कीजिएगा।